नमस्कार इंदौर के मेरे प्यारे भाई बहन, जितने भी लोग इंदौर के हैं सबको मेरी एक भावना भरी, भक्ति भरी अपील है कि नवरात्रि चल रही है तो मुझे मेरे सब बच्चे याद आते हैं, मतलब जिन जिन को मैंने गरबे सिखाए हैं, इंदौर के एक एक कोने से सब आए थे। हर साल जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ओटी जी के गरबे में ज्वाइन हो जाते थे, सबको मैं सिखाती थी, एक महीना ट्रेनिंग देती थी। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी समस्या भरी परिस्थिति है कोरोना के कारण, अपनी मजबूरी है कि गरबे बाहर नहीं कर सकते पर माँ की भक्ति तो कर ही सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो माँ का गरबा कर रही हूँ, पहले भी आप मेरे साथ करते थे, आज भी मैं चाहती हूँ कि स्टार विना टीवी के माध्यम से मैं गरबे भी आपके पास पहुंचाना चाहती हूं। और मैं चाहती हूं कि आपने मेरे साथ गरबे किए हैं तो इस साल क्यों नहीं, माँ की भक्ति इस साल क्यों नहीं, अपन सब मिलके जितना आनंद से अपन ने इतने साल गरबे किए इस साल भी गरबे करते हैं स्टार विला टीवी के साथ में, कि हम रोज़ 8:30 से 10 बजे तक मैं गरबे करूँगी, मेरे घर पर ही करूँगी। आप भी अपने घर पर मुझे देख के आप भी साथ में गरबा करो, आपको जो स्टेप करना है करो, मैं करती हूँ वो देख के वो भी कर सकते हो। गाना तो अच्छा अच्छा मैं गुजराती ट्रेडिशनल गाने बजाऊंगी। आप मुझे लगता है कि वैसे आप पास में नहीं होते अपन, पर दूर रह के भी अपने दिल तो जिस दिन से आप और हम जुड़े, गरबे सीखे एक दूसरे से, मैंने सीखा है आपने सीखे साथ में करे तो जुड़े हैं, वैसे भी अपने अपने घरों में रह के भी स्टार विला टीवी के माध्यम से अपन जुड़ ही सकते हैं। तो माँ की इतनी कृपा तो है अपने पर, जितनी भी कृपा है उसमें अपन माँ की भक्ति करना और खुद को आनंद देना और दूसरे को आनंद देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अपना मेन मकसद यही है, अपने को खुश होना है, परिवार को खुश रखना है। और आपको गरबा मैंने सिखा है तो आप अपने मम्मी पापा घर में जो भी है सबको साथ में लो और गरबे करो।